आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कमोडिटी में काम करना बेस्ट है। अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहते हैं या कमोडिटी मार्केट में अगर नए हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सी कमोडिटीज़ में काम करना चाहिए, कौन सी बेस्ट कमोडिटीज़ हैं काम करने के लिए। तो ये वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, इससे बहुत नॉलेज मिल जाएगी आपको, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कॉमोडिटी मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके की कॉमोडिटीज़ अवेलेबल होती हैं। एक तो एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ होती हैं और एक नॉन एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ होती हैं। अब एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ तो ये होती हैं कॉटन, बार्ले, चना, ये सब, कैस्टर सीड्स वगैरह, ये सब। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ हैं इसमें तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होते हैं, ना बिल्कुल भी काम होता है इसमें, बस नाम के लिए है लेकिन इसमें काम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल चला गया आपके लिए एग्रीकल्चरल का। अब बाकी आती है नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। अब नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में काम भी होता है, इसमें वॉल्यूम्स भी होते हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट कमोडिटीज़ कौन सी है हमें ये जानना होगा। अब बेस्ट कमोडिटीज़ के लिए क्या क्राइटेरिया है? बेस्ट कमोडिटीज़ के लिए बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। क्या है? एक तो उसमें वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि इसमें मूव्स होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर खड़ा रह जाए, मतलब सॉरी कमोडिटी खड़ी रह जाए, मतलब उसमें मूव्स होने चाहिए, अप मूव, डाउन मूव, ऐसे आपको चाल चाल मिलनी चाहिए प्राइस में, ठीक है। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा है इसके वॉल्यूम्स होने चाहिए, वॉल्यूम्स मतलब कमोडिटी मार्केट के हिसाब से अच्छे वॉल्यूम्स होने चाहिए उसमें। और तीसरा ये है कि कॉमनली ट्रेडेड हो, थोड़ी कॉमनली ट्रेडेड, समझते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर एक नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी है निकल, लेकिन निकल जो है बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होती, इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होते हैं, तो कॉमनली ट्रेडेड नहीं है, इसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो कॉमनली ट्रेडेड क्या है? कॉमनली ट्रेडेड है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो इनमें काम करना हो तो क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें काम करना चाहिए, सेमी प्रीशियस होते हैं, इनमें काम करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको साफ बता दूँ, सबसे पहले तो आपको अगर कॉमोडिटी मार्केट में काम करना है और अफोर्डेबिलिटी आपका इशू है, मतलब आपको सस्ते में काम करना है, तो आप गोल्ड में काम कर सकते हैं, आप सिल्वर में काम कर सकते हैं, आप नेचुरल गैस मिनी में काम कर सकते हैं, और आप लीड मिनी में काम कर सकते हैं। हालांकि लीड मिनी में वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। आप क्रूड ऑयल मिनी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल मिनी जो है वो बाकी ऑप्शन जितना सस्ता नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर बहुत सस्ते में काम करना है तो गोल्ड पेटल में करें, नेचुरल गैस मिनी में करें, या फिर आप सिल्वर माइक्रो में कर सकते हैं। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो बहुत ही अच्छी कॉमोडिटी है, ये आपकी कॉमोडिटी की बेस्ट लिस्ट में आ सकती है। इसमें तीन लॉट साइजेस अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। और अगर मैं माइक्रो आपको दिखाऊं, अगर सिल्वर माइक्रो, एक सेकेंड, ये अफोर्डेबल तो है ही, इसके अलावा इसका चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अब एक चीज़ देखिएगा इसमें, इसकी जो वॉल्यूम है कॉमोडिटी मार्केट के हिसाब से बहुत बढ़िया वॉल्यूम रहते हैं। दिखाऊँ आपको, ये देखो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख 80 हज़ार, या 2 लाख, 1 लाख 80 हज़ार, 1.5 लाख, 2 लाख 22 हज़ार। तो कॉमोडिटी मार्केट के हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया वॉल्यूम है ये, ठीक है ना। तो सिल्वर माइक्रो एक बहुत बढ़िया है, आप सिल्वर मिनी में भी काम कर सकते हैं अगर अफोर्डेबिलिटी आपका इशू नहीं है तो, नहीं तो सिल्वर माइक्रो। इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड में गोल्ड पेटल होता है, गोल्ड गिनी होता है, गोल्ड मिनी होता है, गोल्ड का स्टैंडर्ड लॉट होता है। गोल्ड पेटल सबसे सस्ता है, गोल्ड पेटल जो है सबसे सस्ता है, और ये दिखाता हूँ कितना सस्ता है। ये देखिए, 690 का एक लॉट है, ठीक है। तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं, और गोल्ड पेटल क्योंकि अफोर्डेबल भी है और कॉमन कमोडिटी है तो इसमें भी कमोडिटी मार्केट के हिसाब से बढ़िया वॉल्यूम रहते हैं। हालांकि सिल्वर माइक्रो जितने तो नहीं है लेकिन काफ़ी रहते हैं, ठीक है। गोल्ड गिनी में भी ऐसा है, और नेचुरल गैस में नहीं, नेचुरल गैस के में तो लोग ऑप्शंस में भी काम करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब फ्यूचर्स में नहीं सिर्फ ऑप्शंस में भी काम करते हैं। मतलब नेचुरल गैस तो खैर महंगा है, नेचुरल गैस मिनी सस्ता है, देखो कितना सस्ता है, आप 10 हज़ार के अंदर है, समझ रहे हैं, और 1 रुपये पर आपको 250 रुपये मिलता है। तो नेचुरल गैस को भी लिस्ट में डाल लें, सिल्वर माइक्रो, गोल्ड पेटल, नेचुरल गैस, ठीक है। इसके बाद अगर आपका थोड़ा बजट बढ़ रहा है, थोड़ा बजट बढ़ रहा है और आपको वॉलेटिलिटी वॉल्यूम चाहिए, तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड एम, क्रूड ऑयल एम,
है, थोड़ा सा बजट इसमें बढ़ जाएगा, इसमें 20,000 के आसपास का लॉट है, 19,500 भी चल रहा है, प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। और जो क्रूड ऑयल मिनी है, फ्री तो कॉमन है ही, तो इसमें आपको वॉल्यूम भी मिल जाएंगे कमोडिटी मार्केट के हिसाब से ठीक ठाक, ठीक है, 40-50 हज़ार, 30,000, 10,000, 15-20 हज़ार, ठीक है, 51,000 इस तरीके के। तो यही जो कॉमोडिटीज़ हैं मेरे हिसाब से बढ़िया हैं। अगर आपको एल्यूमिनियम जिंक में करना है वो भी ठीक है, एल्यूमिनियम मिनी, एल्यूमिनियम जिंक, लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं है। क्यों इतना बढ़िया नहीं है? क्योंकि उसमें एक तो वॉल्यूम काफ़ी कम चले जाते हैं, उसके अलावा वो फिर महंगा हो जाता है, अफोर्डेबिलिटी का इशू आपको हो सकता है। जैसे कि जिंक मिनी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप देखिए जिंक मिनी इस वक्त 31,000 का है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, और टाइट मूवमेंट्स होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक में, टाइट मूवमेंट्स होते हैं, मतलब एक एक दो दो रुपया बड़ी मुश्किल से पड़ता है। हालांकि इसमें ऊपर नीचे भी उस हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है आपको 1 रुपये पे, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो ये कहानी है। बाकी ये है, अगर आपको इस ये सारी कमोडिटीज़ के बारे में डिटेल में सीखना है, इसका लॉट साइज सीखना है, इसके स्ट्रेटेजियाँ सीखनी है, सब कुछ सीखना है आपको, तो कमोडिटी मार्केट की प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, आप उस प्लेलिस्ट में आके देखिए, फ्री में सिखाया है मैंने सब, ठीक है, वहाँ पे आके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।